25th ऑफ मार्च 2020 को वीडियो हमने अपलोड किया था लास्ट, उसको 3 महीने हो जाएंगे अभी, क्योंकि आज है 28th ऑफ जून 2020। सो सबसे पहले गाइस उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि 3 महीने तक मैंने कोई वीडियो डाला है नहीं। आपको तो पूरी स्टोरी पता है कि क्या चल रहा है देश में, आपके आसपास एरिया में, नेबर सोसाइटीज़ एंड ऑल, बहुत सी सील्ड है। मैं पूरी कहानी दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने और कहीं चैनल पे यूट्यूब पे सुना होगा। इसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा था बीच में, फिर कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ एंड ऑल, तो उसके वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, रोड पे दिखना मुश्किल हो गया था। सो दैट्स वाई कि मैंने 3 महीने में कुछ डाला है नहीं, खास करके घर पे बैठ के भी कोई वीडियो डाला नहीं, क्योंकि कोई रेकलेस वीडियो मुझे डालना नहीं था, क्योंकि जो चैनल से भटक जाए मुझे ऐसा भी कुछ करना नहीं था। हैंस इसके वजह से 3 मंथ्स में मोटिवेशन भी थोड़ा ज़ीरो हो गया था, बहुत डाउन हो गया था, इसके वजह से कुछ डाल नहीं पाया। आज फाइनली मैंने हिम्मत करके बाहर निकला हूँ। जैसे आप वीडियो में देखेंगे कि बहुत चेकिंग ज़ोरदार चालू है मुंबई में, आई एम श्योर महाराष्ट्र के और स्टेट्स में या फिर और सिटीज़ में या पूरी इंडिया में ऐसी चेकिंग चालू होगी। पर एज ऑफ ना मुंबई में आप डबल सीट घूम नहीं सकते, पर फिर भी पब्लिक घूम रही है, पर उसके लिए पब्लिक को फाइन भी पे करना पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट एज पर द न्यू रूल्स कि आपको डबल सीट पर आप नहीं बैठ के जा सकते। ओके, सो फाइनली आज के वीडियो में गाइज हम पुष्पा पार्क, बांडुंगरी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मागठान स्टेशन, पठानवाड़ी, देवीपाड़ा तक मैं कवर करने वाला था, पर फिर सोचा कि पेट्रोल भी थोड़ा कम था तो फिर डायरेक्टली मैं घर चला गया। आई गेस मैं ये आने वाली वीक में शायद कवर कर लूँगा वापस पूरा जो रेस्ट ऑफ द लाइन मेट्रो 7 का बचा है। सो जैसे मैंने कहा इस वाली वीडियो में मैं ज़्यादा रिस्क लिए नहीं, कि मैं सोच रहा था कि अंधेरी तक जाके आऊँ, पर बीच बीच में बहुत चेकिंग था, बीच में बहुत धूप भी ज़्यादा हो गई थी, सोचा कि अभी जितना कवर हो सकता है उतना कवर कर लेता हूँ। सो बांडुंगरी, पुष्पा पार्क, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मागाठाणी एंड पठानवाड़ी। सो आई होप यू गाइज ऑल आर सेफ एंड साउंड एंड सब लोग नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं इस पैंडेमिक में। जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं कि बांडुंगरी के पहले जो स्टेशन आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसको क्रॉस करने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी चेकिंग हो रही थी, जो टू व्हीलर्स पे थे, डबल सीट पे थे खास करके, उनको रोक के 500 रुपीज़ फ़ाइन लग रही थी, क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट, आपको एक रिसीट आता है ऑनलाइन पेमेंट, फिर आपको करना है ऑन द स्पॉट, आपको नहीं देना है। अगर आपके एरिया में भी ऐसा है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके एरिया में फ़िलहाल पैंडमिक स्ट्रिक्ट रूल्स कैसे चल रहे हैं। ट्रैफिक को फटफट फटाफट टाइम लैप्स में डाल के क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और उसके बाद हमारा सबसे डेवलप्ड जो स्टेशन है वो दिख जाएगा आपको राइट हैंड साइड में, जो कि है बांडुंगरी स्टेशन। सो गाइस एक और अपडेट की जो बाइक है मेरी डोमिनार, वो 2 वीक्स के लिए कम्प्लीटली डेड थी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से उसको निकाला नहीं था, हार्डली आगे पीछे करता था जस्ट बिकॉज यू नो कोई रोडेंट उसका वायर जो है वो काट ना ले, और फाइनली वही हुआ जिसका मुझे डर था। 2 वीक्स तक बैटरी डेड, क्योंकि अंदर तक पूरी वायर्स काट ली थी चूहे ने। सो कल दोपहर को दी थी बाइक मैंने, जो कल रात को 10:30 मुझे मिल गई, क्योंकि जो बाइक सर्विस स्टेशन वाला जो है मेरा वो बंदा पहचान गया, सो उसने फटफट काम करके दे दिया फाइनली। पर पूरी तरह से प्रॉपर हुई नहीं है अभी, थोड़ा चेन का इशू बाकी है, क्योंकि जो लास्ट टाइम चेन टूटी थी वो अभी तक मैंने लगाई है नहीं, उसका अलग से 4,000 to 5,000 का खर्चा है। सो सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आने वाले इसमें कर दूँ, क्योंकि फिलहाल ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि ऑफिस इतना जल्दी हमारा ओपन होने वाला है। सो लेट्स सी। क्योंकि डायरेक्टली बांडुंगरी से पठानवाड़ी की तरफ मैं वापस कैसे आ गया। सो गाइस बीच में गोप्रो का पता नहीं क्या क्या इशू आ रहा है, बीच में कैमरा रिकॉर्ड करना बंद हो जाता है अपने आप। सो जब मैंने सिग्नल पे रुका तब मैंने देखा कि अरे तो कैमरा तो बंद हो गया। तो फाइनली एक अच्छी बात है कि मैं पठानवाड़ी जब वापस क्रॉस करके बोरीवली आऊँगा रिटर्न, तो फिर उसका भी वीडियो बनाने वाला था। तो अभी यहाँ से आप पठानवाड़ी से मागठाणी जो अपना स्टेशन है वहाँ तक का वीडियो देखेंगे।
जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर भी पठानवाड़ी पे भी चेकिंग हो रही है, स्पेशली टू व्हीलर्स वालों की। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो ऑटो में बैठे हैं उनको भी चेक कर रहे हैं कि नहीं, क्या ये भी रूल है? अगर आपको पता है रूल है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, इफ़ इट इज़ ट्रू कि ऑटो में भी 2 से 3 जन ही अलाउड है या समथिंग सिर्फ 2 ही जन अलाउड है, आई डोंट नो। टू व्हीलर्स का मुझे पता है, बाइक का सॉरी ऑटो का मुझे पता है नहीं। सो बहुत सी जगहों पे चेकिंग चालू है, मुझे लगता नहीं इतना कुछ खास काम हुआ है मेट्रो लाइन 7 का लॉकडाउन में, जितना मुझे लग रहा है उतना ही दिख रहा है लास्ट वीडियो में जो मैंने 3 महीने पहले डाला था। आई होप सो कि वापस यू नो फटफट काम शुरू हो जाए, धीरे धीरे मैं वापस सब पूरा जो मेट्रो का लाइन है वो कवर करूँगा। देखते कितना लाइन कवर हुआ है, कितना काम हो रहा है, कुछ काम हुआ है कि नहीं लॉकडाउन में, गॉड नोस, लेट्स सी। आज एक अच्छी चीज़ हुई कि संडे होने की वजह से रोड पूरा खाली है, तो यू नो बाइक चिपक चिपक के, गाड़ियाँ चिपक चिपक के नहीं चल रही, थोड़ी दूर दूर है। वैसे भी घर पे आने के बाद मैं पूरी तरह से शावर करके बैठा हूँ और अभी जस्ट एडिटिंग करने बैठा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि शाम को वापस कहीं चला जाऊँ। पर अभी जस्ट देखा बाहर मैंने तो थोड़े क्लाउड्स लग रहे हैं, आई होप सो कि बारिश हो, बारिश होना चाहिए, मुंबई में बिल्कुल बारिश नहीं है। 1 जून को होगी, 2 जून को होगी, जून खत्म होने आया फिर भी बारिश का अभी तो कुछ पता है नहीं। कोंकण साइड जो रूरल एरिया है महाराष्ट्र के, वहाँ पे बारिश बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, पर सिटीज़ में अभी तक स्पेशली मुंबई पुणे में आई डोंट थिंक उतनी बारिश हुई है जो स्टार्टिंग के 1-2 दिन हुई उतनी। आई होप सो जल्दी जल्दी हो जाए और थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल क्लाइमेट हो जाए। राइड्स करने को तो नहीं मिलने वाला है, आई डोंट थिंक इतने जल्दी राइड्स करने जाएंगे हम लोग। सबसे पहले लोनावला जाऊँगा, लोनावला का इम्पोर्टेंस अभी पता चल रहा है जैसे 3 महीने घर पे बैठने के बाद, हमेशा गाले देते थे हम लोनावला को। एज आई प्रीवियसली सेड इन द वीडियो, ये वाला वीडियो छोटा होने वाला है गाइस, सॉरी। जैसे मैं काम मुझे कुछ रिस्क नहीं लेनी थी वापस पूरी तरह से यू नो थोड़े क्राउडेड एरियाज़ में जाने के लिए, ये वाला लाइन मैंने जानबूझ के कवर किया क्योंकि मुझे घर से स्ट्रेट है अंधेरी से बोरवली फिर जेबीला से वापस फिर मेरी तरफ, इसलिए ये वाला लाइन मैंने कवर किया है। जैसे मैंने कहा प्रीवियसली कि इस वीडियो में हम सिर्फ मागाठाने पुष्पा पार्क पठानवाड़ी एंड बाणडूंगरी स्टेशन कवर करने वाले हैं। सो फाइनली वंस अगेन हम पहुंच गए हैं बाणडूंगरी रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे डेवलप्ड रेलवे स्टेशन है आई गेस एंटायर मेट्रो का, या फिर आई डोंट नो लाइन 7 का। अगर आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एज ऑफ नाउ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम यहीं पे हुआ है स्पेशली लाइन 7 में, क्योंकि इसमें पिलर्स से लेके अंदर तक का काम, इंटीरियर और फिर स्टेयर्स तक का काम भी हो चुका है। सो गाइज अगला वीडियो कब आएगा हमारे चैनल पे, ये फिलहाल तो मैं सीरियसली आपको नहीं बता सकता क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से मंडे टू फ्राइडे वी आर ऑल ऑक्यूपाइड फ्रॉम 7 to 4। उसके बाद यू नो थोड़ा वर्कआउट एंड ऑल होता है घर पे, थोड़ा हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो एज ऑफ नाउ बाहर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई गेस वापस संडे टू संडे या सैटरडे टू सैटरडे ही हमें शूट करना होगा, लेट्स सी। सो गाइस जैसे मैंने कहा कि ये वाला वीडियो सिर्फ मागाठाने बोरिवली तक ही होने वाला है, सो फाइनली गाइस आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। हम प्रॉपर फेस टू फेस में एक वीडियो डालने वाला हूँ, प्रॉपर व्लॉग करने वाला हूँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी। एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड था साथ में पर उसको कुछ काम से घर जाना पड़ा, सोच रहा हूँ कि मैं एक राउंड मार के आ जाता हूँ तब तक कि वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और मैंने बहुत दिन से कुछ डाला भी नहीं है।
सो फाइनली आज ये 3 महीने के बाद लाइन 7 का वीडियो फाइनली मैंने डाला। बहुत दिनों के बाद बाहर निकलने के बाद भी वो पहले वाली एक्साइटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही मुझ में। आई डोंट नो आप लोग में कितनी एक्साइटमेंट है, पर शायद लग रहा है कि बाइक प्रॉपर ठीक हो जाएगी तभी कहीं मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ऑल स्टे सेफ साउंड, टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर दिस पैंडमिक, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो प्लीज़ डोंट बी रेकलेस। विद दैट बींग सेड, टेक केयर, एंजॉय, कीप हसलिंग, कीप राइडिंग, अंटिल वी मीट अगेन। बाय गाइज़।